हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और स्वागत है आपको एक एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह आप अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस में किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन के। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर कोई सा भी Xiaomi डिवाइस है, जैसे Redmi 5 है या Note 4 या Note 5 Pro, कोई सा भी Xiaomi का डिवाइस है, तो आप आसानी से अपने मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन उसको हाइड कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और सबसे पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल का आइकॉन है, इसे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सा भी Xiaomi का डिवाइस है जिसमें MIUI 10 रन कर रहा है, जिसमें आप अपडेट कर चुके हैं MIUI 10 में, तो उसी में जो है दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से हाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास MIUI 10 का अपडेट नहीं आया है तो आप जो अपडेट कर लीजिए, उसके बाद जो है कर सकते हैं एप्लीकेशन को हाइड। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ मेरा मोबाइल जो है MIUI 10 पे अपडेट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप MIUI 10 पे रनिंग कर रहा है मेरा मोबाइल। तो आप भी जाके किसी भी Xiaomi डिवाइस में चेक कर सकते हैं कि MIUI 10 पे रनिंग कर रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं बता देता हूँ ये फीचर आपको कहाँ पे मिलेगा जिसमें आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं किसी भी Xiaomi डिवाइस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दोस्तों सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का आपको आ जाएगा। तो ऊपर आपको स्वैप करके जाना है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है ऐप लॉक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको पैटर्न क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो आप क्रिएट कर लीजिए। मैंने क्रिएट करके रखा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का जो विंडो इसका आ जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर राइट साइड में देखिए सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का सेटिंग आ जाएगा। तो ऊपर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड ऐप का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको बताया जाएगा ट्यूटोरियल देखे कि कैसे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करता हूँ, यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे आपके मोबाइल के अंदर, जो भी होंगे जिसे आप हाइड करना चाहते हैं अपने Xiaomi डिवाइस में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अमेजोन को हाइड कर देता हूँ एनेबल करके, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे मैं ब्यूटी प्लस कैमरा है तो मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे डोंट शो अगेन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद आप इसे बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद दोस्तों आपको जो है सिंपली ये दोनों एप्लीकेशन देख सकते हैं यहाँ पे जो है हाइड हो चुका है। अब आपको जो है स्क्रीन पे चले जाना है। स्क्रीन पे जाने के बाद आपको दो फिंगर से जो है इसे स्ट्रेच करना है, उसके बाद ये एप्लीकेशन जो हाइड हुआ था वो ओपन हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो कुछ इस तरह जो है आ जाएगा। देखिए जब दो उंगली को आप स्वैप करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो जो पैटर्न आपने क्रिएट करा था उसे यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और देखिए दो एप्लीकेशन आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों यही दो एप्लीकेशन को मैंने हाइड किया था Xiaomi डिवाइस में, जिसमें MIUI 10 रन कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे वापस से इसे लाने के लिए यहाँ पे मैनेज हाइड इन ऐप है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और इस जगह पर जो आप देख रहे हैं अनेबल बटन है इसे डिसेबल कर दीजिए। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में दिखने लगेगा फिर से। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन और फिर यहाँ पे जो है आपको ब्यूटी प्लस दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह जो आप अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस में जो भी है आपका MIUI 10 पे रनिंग कर रहा है, उसमें आप आसानी से जो है किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर जो भी पैटर्न आपने क्रिएट करा है डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग ऑन कर देना है हाइड इन ऐप्स का, और मैनेज हाइड इन ऐप्स पर जाके यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशन आप लॉक करना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।